बच्चों अगर आप 11th साइंस शुरू कर रहे हो या फिर आपने 11th कर ली और आप 12th में हो, तो आपको एक टॉपिक की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है जिसको हम कहते हैं अणुभार। बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम अणुभार को ही सीखने वाले हैं। इसके साथ हम जानेंगे ग्राम अणुभार क्या होता है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है। चलिए शुरू करें बात। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको क्या समझना है, शॉर्ट वीडियो में समझ रहे हैं अपने, क्या कि ये CO2 एक अणु है और इसका हमें अणुभार निकालना है। तो बच्चों इस अणु में हमने समझना है कि परमाणु कौन-कौन से हैं। एक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर जो परमाणु हैं वो परमाणु हमारे पास से एक तो है कार्बन और दो ऑक्सीजन, O2 मतलब दो ऑक्सीजन है। अरे मुझे इस अणु का अणुभार निकालना है, तो इसके अंदर जो परमाणु है इन परमाणु के परमाणु भारों को अगर मैं जोड़ दूं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु भारों को जोड़ दूं, तो CO2 का अणुभार आ जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल काम है, कर लो, क्या करो कि कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और फिर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है बच्चों, तो इसको टोटल करोगे तो 16 × 32 और 12 जो है वो हमारे पास 44 जो है इसका अणुभार हो गया। अब इसके अंदर एक दिक्कत आ रही होगी कि इन परमाणुओं का परमाणु भार कैसे याद करें। बच्चों ये आई बटन दिख रहा है, इसके अंदर जो है एक लिंक है, उस लिंक को ओपन करो, आपको 1 से 30 तक के परमाणुओं का परमाणु भार याद करने की ट्रिक बताई गई है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। 1-2 मिनट की वीडियो के अंदर जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है जिसमें 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक के परमाणु भार याद हो जाएंगे। चलिए अभी हमारा काम एक बार अणुभार याद करना है, तो H2O का अणुभार याद करते हैं। H2O में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो इसको मैं सीधा इनटू 2 कर देता हूं, चाहे तो मैं इसको 1+1 कर लेता या 1 × 2 कर लेता, एक ही बात है। फिर आया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 × 2, 2+16 कितना हो गया 18, तो जल का अणुभार होता है 18। ठीक है, अब आ जाओ आप मेरे पास NaCl में, कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं सॉल्व, फिर बात करेंगे। NaCl में Na का परमाणु भार 23, याद करने के लिए पीछे आई बटन में चले जाओ, ठीक है, पीछे की बेसिक वीडियो में चले जाओ। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, इसके बाद तो आपको जोड़ ही करना है और जोड़ आएगा 58.5, तो ये जो 58.5 है वो NaCl अणु का अणुभार हो गया। फिर हम बात करते हैं KMnO4 की। KMnO4 के अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, ठीक है, और मैग्नीज, मैग्नीज का परमाणु भार होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं ऑक्सीजन 4, तो गुणा कितने से कर लो 4, तो ये अपने पास हो गया 39 + 55 + 16 = 64, ये सॉल्व करोगे तो 158 जो है इसका अणुभार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी अणु का अगर अणुभार ज्ञात करना है तो उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित है उनके भारों को जोड़ लो तो अणुभार आ जाएगा। और परमाणु भार कैसे याद करने हैं पीछे की वीडियो देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि थोड़ा टफ अगर आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है बच्चों, जैसे ये फिटकरी का फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये एक ही अणु है पूरा और इस एक ही अणु का हमने अणुभार ज्ञात करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे काम। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो AL एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27, कितने हैं एल्यूमिनियम 2 है, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब एक चीज यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज अलग सीख लो, ये जरूरी बात है। क्या हुआ बच्चों कि एक ब्रैकेट के अंदर SO4 लिखा हुआ और बाहर लिखा हुआ 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले बेसिक कैलकुलेशन साइड में कर लिया करो, क्या करो कि आपके पास है SO4, ठीक है, और पैरों में है 3, मतलब SO4 3 बार है, और इसके लिए आप क्या करो, पहले SO4 का अणुभार याद कर लो, क्या आएगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणा में कितना है 4। ठीक है, और इसको आप कितने से गुणा कर लो 3 से गुणा कर लो, तो अपने पास 32 + 16 = 64, ये हो गया 96 गुणा में 3। या आप यूं कर लो कि आपको ये पता लग गया कि मुझे SO4 का जो भार है वो 96 पता लग गया, तो अब आ जाओ यहां पर, जो ब्रैकेट वाला SO4 था उसको मैंने लिखा 96, कितने हैं SO4 3, तो गुणा में कर दिया मैंने 3। फिर क्या आ गया, पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39,
कितने हैं पोटेशियम, दो, तो गुणा कर दिया दो से। फिर आ गया SO4, चाहे तो इसको आप बार अलग अलग कर लो, क्या सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 गुणा में 4 ऐसे कर लो, या आपने SO4 का एक साथ कर ही लिखा है पहले, कितना कर रखा है 96, तो सीधा 96 भी लिख सकते हैं। फिर आप देखो H2O, H2O का अणुभार कितना होता है, H2O का अणुभार होता है, अब 24 H2O है ना, H2O का अणुभार होता है 18, ये लो यहां पर H2O का हमने ज्ञात यही था, बस ऐसे जो है 18 रखा, और ये हैं कितने हैं जी 24, तो इसको हम लिख सकते हैं, 18 गुणा में 24। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करो, पहले जो गुणा होने वाले हैं उनको गुणा कर लो और फिर जोड़ कर लो, तो ऐसा करोगे तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 948। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आप अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब क्या है, अगर आप तरीका सीख गए तो ये दो एग्जांपल मुझे करके बताओ, क्या एक तो ये मोर लवण का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 की ट्वाइस SO4.6H2O, जो 12th वाले हैं उनको तो इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, और 11th वाले हैं वो भी मुझे एक एग्जांपल करके दिखाओ, किसका, H2SO फोर का अणुभार भी ज्ञात करके बताओ, ये दो एग्जांपल मुझे करके बताने हैं। ठीक है, अब ये तो हमने अणुभार की बात तो कर ली, अब दूसरी बात होती है ग्राम अणुभार क्या होता है। बच्चों ये जो अणुभार है ना, ये 44 में लिखूं तो ये अणुभार है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 44 ग्राम तो ये मेरे पास हो जाएगा ग्राम अणुभार हो जाएगा। बस जो अणुभार है उसी को ही ग्राम में लिख दो, 44 लिख दो तो अणुभार, 44 ग्राम लिख दो तो ग्राम अणुभार। उसी प्रकार से जल का 18 क्या है, अणुभार, लेकिन मैं अगर 18 ग्राम लिखूं तो वो मेरे पास हो जाएगा ग्राम अणुभार। ठीक है, क्लोरीन का 58.5 है अणुभार, लेकिन अगर मैं लिख दूं 58.5 ग्राम GM ग्राम, तो ये जो है ये NaCl का हो गया ग्राम अणुभार। ठीक है, अगर KMnO4 की बात करें तो 58 जो है इसका क्या है, अणुभार, लेकिन मैं अगर लिख दूं 158 ग्राम, तो ये इसका हो गया ग्राम अणुभार। ठीक है बच्चों, ये बात हमने सीख ली। अच्छा एक चीज और सीखनी थी कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो बच्चों अगर ये जो अणुभार है ये क्या होता है कि अगर इसके CO2 के एक मोल का भार ज्ञात करेंगे ना, एक मोल CO2 का भार ज्ञात करेंगे तो वो 44 ग्राम आएगा, तो इसका मतलब यही इसका मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान भी क्या है, 44 ग्राम ही है। क्लियर, तो इसी प्रकार से इसका अगर हम बात करें CO2 का अणुभार भी 44, ग्राम अणुभार भी 44 और मोलर द्रव्यमान भी 44। ठीक है, बस सिर्फ ग्राम अणुभार में क्या डिफरेंस करना है कि उसको ग्राम लगाना जरूरी है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, तीनों एक ही चीज है। अगर कहीं मान रखना है, CO2 का मान रखना है, NaCl का मान रखना है, तो जो है मतलब KMnO4 का मान रखना है, तो कहीं भी अगर आपको कहे कि इसका मोलर द्रव्यमान लिखो तो 158, अगर आपको कह दिया ग्राम अणुभार लिखो तो 158, और अगर आपको कह दिया कि अणुभार लिखो तो 158, मतलब वैल्यू आप 158 पुट कर दो, आपका काम सॉल्व हो जाए। ठीक है, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज कर लेना। बच्चों छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं पूरा बेसिक केमिस्ट्री सीरीज दिखा रहा हूं, आप सभी वीडियोस कंटिन्यू देख लें तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है।